ट्रैवलर के इस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम। और आप सब देवी हेलो, वेलकम टू द चैनल अगेन। दिस इज़ ग्रेवियर ट्रैवलर। और फिर 2021 का मेरा पहला व्लॉग है। 2020 में मैंने अभी लास्ट जो बनाया था वो था चोपता का। और आज मेरे साथ बहुत ही खास बंदा जा रहा है, दिखाता हूँ। ये है हेलो आयुष, और इधर ऋषभ। नमस्कार। और ये बहुत ही ख़तरनाक बंदा है भाई, बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, बातचीत है उनसे, अच्छी खासी बातचीत है। नहीं नहीं, मैं जमीनी बंदा हूँ तो भैया बस चढ़ा रहे हैं। जमीनी नहीं भाई, ये बहुत खतरनाक वाला बंदा है। मुझे तो उस दिन पता लगा जब यहाँ पे एक बड़ा यूट्यूबर आया था, मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बाद में करूँगा रास्ते में चलते हुए। ए भाई, बहुत ही बड़े वाले लोग हैं, हमें तो अब पता लगा जाके। फूफ चढ़ा रहे भैया। चलो, फिलहाल हमारा जो प्लान है आज, कहाँ जाने का है? हम जा रहे हैं आज घुघुती महोत्सव में। हाँ। और ये थोड़ा उत्तराखंड का जो कल्चर होता है, ट्रेडिशन जो भी है, उसको दिखाते हैं, हर बार कराते हैं वो लोग। तो इस बार वो हो रहा है यमुना कॉलोनी में, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ठीक है। ये महंगे, इतनी गंदी हो रखी ना, हद गंदी। इस पे ये इसका एक फायदा है ना, इस पे हम कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, ऐसे धोले। मैं इसमें अपना, मैं YouTube का बनाऊंगा। हाँ, इसमें भी लिखेगा आप तो धोले, आप बना सकते हो, आप तो धोले, आप तो धोले, अपना फायदा है। उसमें गाली भी लिखी हुई थी। तो मैं आप लोगों को बात बताना चाहता था, वो इस तरीके से थी कि भाई आयुष बहुत ही काम का बंदा ऐसे है कि आयुष की जो जान पहचान है वो है चीता भाई से। अब चीता भाई बहुत, जो लोग मोस्टली लोग जानते ही होंगे, तो चीता भाई से तो पता ही लग गया होगा द चीता कौन है। वो है हमारे सत्य सागर चीता भाई। तो हुआ क्या था, मैं बताता हूँ। बात ऐसी हुई थी कि मैं एक दिन उनका व्लॉग देख रहा था। अब व्लॉग देखते देखते क्या हुआ, जब मैंने देखा यार कि उसमें जैसी वो एक घर में एंटर करते हैं, यार ये तो देखा हुआ लग रहा है। और थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ तो भाई आयुष निकल के आ रहा है कमरे में से। मैं देख के शॉक्ड हो गया मैं सत्या भाई से। अब देखो जो भी क्या पता सो जाए, सत्या भाई देख लें ये वाला व्लॉग। बेसिकली मुझे भी सरप्राइज दिया था सत्या भाई ने। हाँ। मेरे 2 साल से मैं उन्हें बुला रहा था। हाँ। 2 साल की मेरी मेहनत काम आई। सत्या भाई से अगर बात होगी ना तो उन्हें बोल देना व्लॉग, और एक कमेंट कर दे बस, फिर तो चमक जाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिनके हमें आना था, सौरभ मैथानी जी के। और इनके बारे में हम आपको आगे आगे चल के बताते रहेंगे। चलो भाई मिलाओ हमें भी, मैं तो फर्स्ट टाइम मिलूंगा। ये हमारे भरत भाई हैं। अच्छा। ये भी अभी उसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। क्षेत्र में, गढ़वाली म्यूजिक के क्षेत्र में। ओके। हाँ, और सौरभ भाई के साथ ही है, मतलब काम करते हैं उनके साथ ही। वेल वेल, वेरी नाइस। ये हमारे सचिन भाई हैं, सचिन मैठाणी जी, सौरभ मैठाणी जी के छोटे भाई। ये उस्ताद हैं हमारे। अब आप दोनों भाइयों को सीधे स्टेज पे देखेंगे। अच्छा, तो आज आप लोगों का प्रोग्राम है। हाँ, पे वेल यार, बहुत अच्छी बात है। तो और हमें भी मौका मिलेगा देखने का और बाकी उसे इंट्रोड्यूस कराने का। ठीक है, चलो फिर चलो हम चलते हैं। हम फिलहाल यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं और पहुँचते हैं यमुना कॉलोनी जहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। वहाँ मिलेंगे हमें सौरभ भैया, सौरभ मथानी जी। सौरभ भाई जी, अच्छी बात यह है कि प्रोग्राम संडे को है और ट्रैफिक नहीं है आज इतना, नहीं वैसे थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है बाकी डेज के मुकाबले। मसूरी पहुँच रहा। मसूरी? हाँ, संडे है ना, मसूरी। अरे हाँ, मसूरी सही में माल रोड पे। माल रोड पे घूम रहे होंगे सारे, हर जगह है ना माल रोड। हाँ, यहाँ है, उधर है, शिमला में है। अजीब ही नाम है माल रोड, समझने वाले समझ गए होंगे। बाकी अभी व्लॉग देखो, व्लॉग देखो और क्या। बधाइयां, आपने नया शुरुआत कर रखी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
आओ ना अंदर में मुलाकात कराता हूँ। हाँ साहब के भाई हैं तो जिनसे मैं मिलाना चाहता था, जिसमें मैंने अभी जिक्र करा था ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, ये है सर। नमस्कार, पहले तो मेरा ग्रे बियर्ड ट्रेवलर के इस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम और आप सभी को इस नव वर्ष की, नूतन वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। और आज हम एक पारंपरिक, एक राजकीय त्यौहार मना रहे हैं जो कि हमारी विलुप्त होती हुई संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए प्राउड पहाड़ी द्वारा एक बेहतरीन कार्यक्रम कराया जा रहा है। और विगत 3 वर्षों से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, इस बार चतुर्थ घुघुति महोत्सव है। तो आप सभी के साथ में इस घुघुति महोत्सव के अपनी पूरी टीम के साथ जुड़ूंगा, आपके साथ नचाने झुमाने के साथ। तो मिलते हैं जल्दी। और एक बार आज हम एक बार उनसे भी मिल जाते हैं, जैसे आप ऑन स्टेज तो सिंगर को देखते ही हो, उसके पीछे जो म्यूजिशियन बैठते हैं उनसे इतना परिचय नहीं हो पाता। आज ये जिम्मा हमने सौरभ भाई को दिया है, सौरभ भाई अपने म्यूजिशियन से आप सबको मिलाएंगे। ठीक है, आइए। म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपने अक्सर हमें मंचों पे देखा होगा, पर जैसे कहते हैं भात के साथ दाल और दाल के साथ नमक, नमक के साथ मिर्च, मिर्च के साथ हल्दी, जैसे सब चीज का एक समावेश एक बेहतरीन चीज को बनाता है, वैसी एक गायक को उसको उत्पन्न करने वाला होता है संगीतकार। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं ज्योति प्रकाश पंत। हेलो, नमस्कार। हमारे जो ऑक्टोपेडिस्ट हैं हमारे भरत मैखुरी जी, हमारे सैंडी गुसाई जी हमारे डायरेक्टर भी हैं। आपने कई गाने मेरे देखे होंगे, बॉस सुरेला जैसे कई हिट गीत, हिमगिरी की चेली जिन्होंने डायरेक्शन किया, हमारे सैंडी गुसाई जी। और आज हुड़के पे भी समा बांधेंगे। और एक महेश जी जिनका नाम तो भगवान शिव से मिलता है, पर इनकी नटखट बन जो है वो कृष्ण भगवान से मिलता है, और कृष्ण भगवान जी का वादक बांसुरी को आप बजाते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट में पारंगत हैं। हमारे महेश जी एक बार हाई कर दीजिए। एक हमारे आज नई एक नई आवाज़ को उत्तराखंड इंडस्ट्री में उतार रहे हैं अनुराग कांत जी, और बहुत बेहतरीन गाते हैं। इनके गीत का विमोचन भी आज हम इस घुघुति महोत्सव में करेंगे, तो आप सभी के साथ धमाल मचाने आ रहे हैं। और ये हमारे छोटे बुला हैं, बहुत ही अच्छी संगीत की परख रखने वाले संदीप रावत जी, हमारे परम मित्र भी हैं, और अभी आप PWD में कार्य होते हैं और बहुत सुंदर संगीत जी। We're gonna make it.
परफॉर्म करने जा रहा है मैं जाता हूँ और बोल देता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो सारे आ जाएंगे। मैं उस दिन गाऊंगा जिस दिन मेरी ना मैं 15-20 आदमी लेके आऊंगा पार्टी के, पहले क्राउड में छोड़ दूंगा, तुम तालियां बजाओ बस अपने। सभी का जोश बना रहना चाहिए। हमारे साहब जी हमारे बीच में हैं, पूनम सती जी उत्तराखंड में, जिन्होंने की नजारे वीडियो